राहुल गांधी की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कल इंदौर में धमकी भरा लेटर भी मिला है। सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुरक्षा की दृष्टि से मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन ऐसी स्थितियां या सुरक्षा में चूज जैसी बातें जो सामने आई हैं, ये पैदा कहां से हो रही हैं? इंदौर के जिस खालसा कॉलेज में राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है, 10 दिन पहले स्थिति बिगाड़ने के लिए उस खालसा कॉलेज में कौन गया था? क्यों उनके जख्मों को हरा किया गया? सिख संगत में जाकर इस तरह का वातावरण का निर्माण क्यों किया? यह भी राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि कमलनाथ जी ने ऐसा क्यों किया। छिंदवाड़ा में जाके मंदिर और मूर्ति बनवाई और फिर टुकड़े टुकड़े कर दिए। गजनवी और गौरी की तरह क्यों कर रहे हो ऐसा? हर जगह जाकर आप इस तरह की आवेश की स्थिति को कमलनाथ जी पैदा क्यों कर रहे हैं? मेरे को तो लगता है राहुल बाबा, ये कमलनाथ जी नहीं चाहते यात्रा का, इसलिए बार बार सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन इस बात को भी आप दृष्टिगोचर करें। अखलाक में बहुत सारे आए थे, आफ्ताब में क्यों आएंगे? एक एससी वर्ग की बिटिया के 35 टुकड़े हो गए, न राहुल जी का कोई बयान, न दिग्विजय सिंह जी का कोई बयान। बेटी हूं लड़ सकती हूं, प्रियंका जी, वाड्रा जी, कोई बयान नहीं। श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए शरीर के, लेकिन सब चुप्पी साधे हुए। ये तुष्टीकरण की राजनीति, इसको कहते हैं। सोनिया गांधी जी बटाला हाउस में आतंकवादियों पर आंसू बहाने गई थी, 35 टुकड़े जानवरों को खिला दिए फेंक फेंक के, किसी के मन में पीड़ा नहीं आई। ना अवार्ड वापसी गैंग आई, ना तुष्टीकरण वाला कोई इस बात पे बोल रहा है। कैसी स्थिति है देश समझता है, लेकिन एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो निंदा भर कर दे आफ्ताब की, एक भी दल नहीं है। देशवासियों को सोचना चाहिए, प्रदेशवासियों को सोचना चाहिए। बाकी के दल सिर्फ विधानसभा होने पर ही विधायक दल की बैठक बुलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सतत संपर्क वाली पार्टी है, जनता की सेवा वाली पार्टी है, नवाचार करती है, विधायकों से नीचे का फीडबैक लेकर के ऊपर और सरकार के द्वारा किए गए काम नीचे तक। ऐसा एक्ट जो लागू किया गया है, यात्राएं जो निकलने वाली हैं, पार्टी के कार्यक्रम, विकास के कार्यक्रम, शिलान्यास, उद्घाटन, ये सब कार्यक्रमों की दृष्टि से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और इन सभी विषयों पर सारगर्भित चर्चा होने वाली। सलकनपुर मामले में जो अनिल खरे और शुभम दोनों व्यक्ति हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, माल भी बरामद हो गया है। जो भ्रम की स्थिति हो रही थी, 6 बोरे ले गए थे, CCTV में ले जाते हुए वो 6 कट्टे दिख भी रहे हैं, लेकिन ले जाने की दृष्टि से उनने 2 उसमें कन्वर्ट कर लिया था, 2 बोरों में, कट्टों को बोरों में कन्वर्ट कर लिया था। और जिस हिसाब से 1 बोरे के अंदर वो 2 से 2.5 लाख रुपए होते हैं, उस हिसाब से पूरे 10,28,000 बरामद भी हो गए, पैसे भी आ गए हैं पूरे के पूरे, और इनसे विवेचना और जारी है, पूछताछ लगातार जारी है। कोरोना के क्षेत्र में प्रसन्नता का विषय ये है कि पिछले 24 घंटे में कोई भी कोरोना का एक भी प्रकरण नहीं आया। बहुत दिनों बाद, महीनों बाद कह दूं या वर्ष बाद कह दूं, ऐसा हुआ है कि 0 केस 24 घंटे में आए हैं। ठीक होकर 3 लोग अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए हैं। एक्टिव केस 27 बचे हैं। सैंपल पिछले 24 घंटे में 2,922 लोगों का सैंपल लिया गया। संक्रमण दर आज 0 है। रिकवरी दर 98.7। पुलिस का कोई जवान संक्रमित नहीं है। आज अनेक 0 हैं कोरोना के क्षेत्र में।
वैक्सीनेशन 905 लोगों को हुआ है। अभी तक कुल वैक्सीनेशन 13,35,39,54 लोगों को हुआ है।